त्रिपुरा में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और मूर्तियों के टूटने का एकदम से सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने लेनिन की मूर्ति तोड़ी, फिर तमिलनाडु में जावत करके रामास्वामी पेरियार नायकर की मूर्ति तोड़ी, और उसके बाद मान लीजिए भारत में जिनकी सदियों से कई विगत वर्षों से मूर्तियां टूटती रही हैं, परम पूज्य बौद्ध साहब बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का सिलसिला तो बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। आखिर ये मूर्तियां टूट क्यों रही हैं, इसका कोई तो कारण होगा। और आपने देखा होगा कि आज तक पूरे भारत में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है, लगातार मूर्तियां टूट रही हैं किंतु एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं एफआईआर दर्ज हो गई हो, किंतु आज तक एक भी दुराचारी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका कारण आप सब जानते हैं, क्योंकि इस समय बाबा साहब की 127वीं जयंती को मनाने के लिए यहाँ महिलाओं ने भी बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट करी है। उनका सीधा मतलब है राम राज्य स्थापित करना। तो साथियों, आज हम उस महापुरुष की मूर्तियां जन्मदिन मना रहे हैं जिसकी वर्षों से लगातार मूर्तियां टूटती रही हैं और आज भी टूट रही हैं, हो सकता है कि भविष्य में भी टूटेंगी। तो आप इन मूर्तियों के टूटने के समय भी आपने देखा कि किस तरह से ये घिनौनी हरकतें देश में चल रही हैं। तो सुनने में ये भी आता है, कभी कभार ये भी सुनते हैं कि हो सकता है कि इन लोगों ने बाबा साहब को भी मारा हो। अभी आपने 2 तारीख को देखा, 2 तारीख के बाद देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, उनको भी मार दिया गया और बचे उसे बहुत सारे लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया। तो आप इस समाज के लोगों को मार सकते हो जो संविधान में विश्वास करते हैं, मार तो सकते हो किंतु बाबा साहब के विचारों को इस देश से खत्म नहीं कर सकते। आप बाबा साहब के विचारों को इस देश से खत्म कर नहीं सकते हो, और यही कारण है आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भारत में तो जिंदा है। इस तरह का काम करने वाले लोग आपको जवाब यूके में भी दे रहे हैं, अमेरिका में भी दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी दे रहे हैं, अर्थात न्याय के साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ इस समय चल रहा है उसका आपको बहुत जल्दी समय आने वाला है। जिस तरह से आपने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, उसी तरह से आप आगे भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। तो ना हम झुके हैं ना झुकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे, अर्थात आज हमारी आबादी देश में लगभग 26% हो गई है। और साहब काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज हमारी हिस्सेदारी 26% बनती है और हम उसे लेकर के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि बहुत सारे बत्ता हैं, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। रामकृपाल जी, 2 मिनट का समय चाहूंगा आपके चल। हमारे बीच में मास टीम मौजूद है, मास टीम में मैं अर्जुन जी से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए। और मास टीम के एक बहुत होनहार साथी थे हमारे धर्मेंद्र जी, आज बाबा साहब के मिशन का कारवा करते करते हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे बीच में उनके सपुत्र हैं अंश, वो आएंगे मंच पर और भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। धर्मेंद्र जी वो शख्स हैं जिन्होंने मास को यहाँ मजबूत किया, मास को तैयार किया, और आज मास ने त्रिलोकपुरी के 7 ब्लॉक में 2.5 लाख रुपये की लागत से बाबा साहब की मूर्ति लगाई। और आज मास मिशन बाबा साहब के मिशन का जो पहला अक्षर है शिक्षित बनो, उसी के लिए काम कर रहा है। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी के दोनों सपुत्र हैं जो आज पिता के ना रहने पर पिता की भूमिका निभा रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे युवा साथी अर्जुन जी, ये भी बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। एक बार इन 2 बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए। इनके पापा जी ने मास को तैयार किया और पूरे जिंदगी भर काम किया और बहुत कम आयु में वो एक्सपायर हुए, दोनों बच्चे उन्हीं के ही है।
अब इन बच्चों का प्रोग्राम होगा, थोड़ा इनका मनोबल बढ़ाइएगा बच्चों का। मैं नोट करूंगा रंजना दाड़े से, रंजना दाड़े की बच्चों का प्रोग्राम शुरू कराइए।